सिकल सेल और थैलासीमिया के इलाज के लिए कैसगेई जीन थेरेपी को मंजूरी दी गई है। चीन नहीं, यूके में दिया गया है। किसमें दिया गया है? यूके में। किसे दिया गया है? यूके में। ब्रिटेन को बोलते हैं ना यूके, यूके ने मंजूरी दे दिया है जीन थेरेपी को। किसने दिया है? यूके ने। देखिए जीन थेरेपी क्या होता है, हमारे डीएनए का कुछ हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है तो उससे क्या है कि उसमें वो बीमारी कंटिन्यूअस जाती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जीन में जो खराब हिस्सा है उसको तोड़ के अलग कर देते हैं और स्वस्थ जीन को लगा देते हैं जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन ये करना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि जीन हमारे शरीर में अन्य चेंजिंग भी ला सकते हैं। चाइना ने क्या किया, उसकी यहाँ जीन थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज होती है चाइना में। उसने क्या किया कि जो किसान गन्ना बोते थे ना, उस गन्ने में उस जीन का अध्ययन किया, उस जीन में देखा कि कौन जीन इसकी मोटाई को बढ़ाता है तो उस जीन को निकाल लिया, मोटाई को बढ़ाने वाले को निकाल लिया। सारा वैज्ञानिक चिल्लाए ना सर, अरे गन्ना मोटाएगा कैसे, कहा रुक ना, उसको निकाल लिया। और बांस में जो जीन था जो उसकी मोटाई को बढ़ाता था उसका निकाल लिया और उसको जोड़ दिया किसमें, गन्ना में। किसमें जोड़ दिया, गन्ना में जोड़ दिया। समझा गया, अब गन्ना मोटा गया कितना, बांस इतना। कितना मोटा गया, बांस इतना। अब वहां का गन्ना बांस इतना मोटा गया। अब सोचिए वहां के गन्ना को ना कपड़ा की तरह गाड़ दिया जाता है इसे और पूरा रस निकलते रहता है और हम लोग के यहाँ गन्ना बेचारा पोलियो की तरह हो जाता है। और उसके बाद तो उसका अत्याचार जो गन्ना का रस निकालता है, और ये बाप हो बाप, एक बार तोड़ के फिर उसमें फिर तोड़ के फिर गाय को दीजिएगा ना, गाय देख के गरियाएगी, बच्चल कौन ची बोलो रे में यो खा जो। तो बताइए इस तरह से भारत को भी जो हमारे लिए अच्छा है उस पर करना चाहिए ये प्रयोग। जैसे हमारे यहाँ करेली होती थी पहले, अब करेला होता है, अच्छा है कि नहीं है, बेहतर है। यहाँ पे किसानों को क्या, हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ऐसा करता सब ना कि जामुन में इतना मोट मोट गेहूं होता, जामुन बराबर क्या होता है, गेहूं, फिर तो किसान कमा के गदगद हो जाता एकदम, इतनी इतनी गेहूं होता है। और जब पीसना ही है जामुन बराबर होता है, चाहे छुहारा बराबर गेहूं, किसान को कितना फायदा होता। लेकिन कभी भी प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। एक ऐसा ही ज्ञान दे रहा था एक आदमी, किसान था, किसान नहीं व्यापारी था, साइकिल से जा रहा था, कह रहा था भगवान को कुछ बुझाता है बताओ, कोहड़ा का पेड़ देखा, कोहड़ा का पेड़, कहा कि बताओ भगवान को बुद्धि है, हेत्ता बड़का कोहड़ा आईती चुकी पेड़ में लगी ले, अरे भगवान तेरा कौन जी का बुद्धि। फिर आगे गया कुछ दूर चलते चलते जामुन का पेड़ देखा, कहा कि देखा देखा भगवान के देखा, अरे